इनके नीचे भी जो शेप्स हैं इनकी भी मैं दिल करे क्रम्बलिंग कर लूँ। इसकी करते हैं, चले ये तो बेचारा टूट ही गई है अंदर से। निकल जा निकल जा, ये निकल गई। मौसम सही होता है ना, मैंने अपने सारे टेक्सचर रीन्यू करने हैं। मुझे यूँ लगता है मेरे टेक्सचरों का अब कोई ना ज़रूरत है। अच्छा ये उसने जो शेप्स बनाई थी इसकी थोड़ा सा वो यहाँ क्रम्बलिंग इसकी करते हैं। या इसका थंबनेल अच्छा, इसकी भी रिक्वेस्ट चाहिए इसकी वीडियो की, इसकी मैं शिफ्टिंग भी करूँगी वीडियो भी अगर टाइम मिला, आज नहीं। अच्छा जी ये देखें ज़रा, ये प्योर एशीज़ और सैंड टेक्सचर में है। ये रिस्क है, एक रिस्क कह सकते हैं इसको, लेकिन आपके लिए मैं इसकी अच्छी सी क्ले पॉट में साइड पे क्ले पॉट में क्रम्बलिंग कर लूँगी, बाकी की मैं अंदर करूँगी, साथ शेप्स मेकिंग करूँगी। ज़रूर देखिएगा, यही है इरादा। ये जो है चारकोल का ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा लेकिन मिलेगा इंशाल्लाह। तो साथ में फिर इसकी शेप्स बनाएंगे अलग, ताकि इसमें मैं थोड़ा सीमेंट और ऐड करूँगी ताकि इसकी सेटिंग अच्छी हो जाए। मैं वीडियो बनाऊँ उसके बाद इसको शामिल कर लेंगे अंदर। और ये मेरी क्ले माटी सारी ढंपी हुई है, इसको मैं ना ही खोलूँ अभी क्योंकि एक अकेली जान नहीं, मेरे साथ एक है मेरी प्यारी छोटी सी, एक स्टूडेंट है तो वो है, लेकिन वो बेचारी कितना को काम कर सकती है। सही, अब मैं अजानें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं दूर दूर, तो मैं इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर रही, क्योंकि देखती हूँ टेक्सचर वही थोड़ी क्रम्बलिंग आपके लिए करती हूँ। इसकी भी मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। ये वाला जो है मेरा टेक्सचर, ये देखें मिक्स है अंदर। ये है ग्रे कंक्रीट टेक्सचर, इसके मैं बनाती हूँ चंक्स, ये देख लें इस शेप्स के। ये शायद ऐसे ही क्रम्बलिंग कर देती हूँ, उठा के ना उधर रखती हूँ क्योंकि चंक्स ही बनाने पड़ने हैं, लेकिन मैं ना सेटिंग ऐसे कर देती हूँ, वीडियो के दौरान इसके चंक्स बना लूँगी आपके सामने। आई थी सिर्फ ऊपर व्लॉग बनाने, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। सेटिंग इसकी बताएं मुझे कैसी लग रही है। नज़र लगता कुछ आ नहीं रहा, लगी हुई हूँ क्रम्बलिंग करने। यहाँ इसको ये बड़ा चंक्स है, इसको यहाँ कहीं सेट करते हैं, यहाँ कर दिया मैंने, नहीं ये दरमियान में होना चाहिए था वैसे। ठीक है, वीडियो बनाते हुए देख लूँगी इसकी क्या सेटिंग है। ये इधर का टेक्सचर इधर मिक्स है, ये देखें, क्योंकि ये सारा शिफ्ट किया हुआ टेक्सचर है। ये जो है ना इधर जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रम्बलिंग की है, ये सारा शिफ्ट किया हुआ है लेकिन मिक्स हुआ है अंदर। कोई बात नहीं, मेरा रेड टेक्सचर उस दिन का ऐसे ही पड़ा हुआ है बेचारा। इसके नीचे क्या है, मैंने कहा था इसकी अब क्रम्बलिंग कर लेते हैं, वो इसलिए इसको क्योंकि इस दोबारा फिर क्योंकि ये फ्रेश है बिल्कुल फ्रेश, तो इसकी मैं क्रम्बलिंग कर लेती हूँ इधर ही, तो बाद में मैं स्टैंड पे लगा के ना बाद में फिर इसको हम कर लेंगे। लेकिन मैंने दिल कर पहले वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कन्फ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा कि न्यू वीडियो भी होनी चाहिए। सबसे पहले चले मैं यही करती हूँ, ठीक है। यहाँ क्ले पॉट भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, इसकी मैं क्रम्बलिंग कर लेती हूँ।
ये मेरा टेक्सचर है ब्लैक मड का, आप लोग बताना कैसी बनी है ब्लैक डॉट, जो भी कैसी बनी है इसको थोड़ा फिर भी डैम थी, लेकिन आप लोगों को पता मौसम इस तरह का, लेकिन इंशाल्लाह ताला गर्मियों में सही बनेगी। यहाँ इसका थंबनेल ले लेते हैं। तो चलें मैं पहले वीडियो बनाऊँ उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अभी आधी वीडियो रिकॉर्ड की है तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने सैंड की है मैंने उसमें क्ले पॉट में, तो बाकी प्योर एशेज मैं फ्लोर पे कर लूँगी। तो यहाँ डाली है सैंड, ये देखें ये ऐसे, बाकी अब यहाँ से सैंड इकट्ठी कर लेंगे। ये आप लोगों के साथ साथ दूसरा मुझे याद आ गया, आप सबने कहा था इस दफ़ा क्लीनिंग की आपने ज़रूर वीडियो बनानी है इंशाल्लाह ताला, तो मैंने यही सोचा है कि इस दफ़ा क्लीनिंग ज़रूर आपके सामने ही करेंगे। मेरी स्टूडेंट आ जाएंगी तो फिर जैसे जैसे वो करती रहेंगी आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। यहाँ मैं थोड़ी जो ऊपर सैंड है इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, तनी नज़र आ रहा है कि नहीं थोड़ा, क्योंकि ये प्योर एशेज वाला टेक्सचर और प्योर सैंड, क्योंकि जो प्योर एशेज है वो थोड़ी ब्लैक है और ये ग्रे टेक्सचर है। थोड़ा थोड़ा मैं लूँगी, बाकी साइडों वाला फिर अंदर ही कर देंगे। ये देखिए इसको साफ कर देंगे। चलें जी अभी हो जानी अजाने शुरू, तो मैं सोच रही हूँ अजानों के दौरान हम इसकी, मैं जो प्योर सीमेंट है प्योर सैंड है इसकी बना लेंगे थोड़ी शेप्स, तो कैमरा तो ऑफ ही रहेगा, तो फिर बाद में मैं अपनी प्रॉपर देखें अभी कितनी देर मुझे ऊपर आई हुई, एक वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई अभी तक। तो ये क्ले पॉट का नज़ारा, अभी मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करनी दूसरी, वो लाजमी करनी है, बारिश अगर हो गई तो फिर वो ऐसी बेचारी फिर से बेकार हो जानी है, तो मैं इसकी शेप्स बनाती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी साथ हो रही थी दूसरी मस्जिद में, तो दूर दूर गई थी, तो अब शायद हों एक दो, तो बाकी ये देखें मैंने स्लैब बनाने लगी, वो बना शेप्स बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो स्लैब बना लेती हूँ, तो अगर बारिश हुई तो वो ऊपर दे देंगे। ठीक है ये उठाए जाने हैं क्योंकि ये इसमें सीमट और सैंड काफ़ी सारा मिक्स है, प्योर सैंड है ये और सीमट भी मिक्स है, तो इसलिए ये उठाई जानी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, फटाफट बन गई हैं। अब मैं बाकी की वीडियो रेडी बना लूँ तो फिर बात करते हैं। ओके चलें जी वीडियो हो चुकी है रिकॉर्ड, इतना शोर था, एक गैस नहीं आती तो इधर हमारे घर की जो अम्मा वो इधर साइड पे पता नहीं क्या बर्तनों का कर रही थी, इतना बर्तनों का भी शोर आने लग गया। अब मैं सोच रही हूँ जो बाकी वीडियो रिकॉर्ड करने में करूँ क्या ना, अच्छा ये टेक्सचर बहुत स्मूथ और ऐसे है, ये देखें। और मैं भी ऐसे कर रही हूँ कि कुछ पार्ट रिकॉर्ड करी, समझ नहीं आनी कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ है, लेकिन करना तो है। ये भी मेरा सैंड और उसका टेक्सचर है, थोड़ी इसकी व्लॉग में क्रम्बलिंग कर लेती हूँ छेती छेती।
स्टैंड भी मेरा टेढ़ा हुआ है, इसको दूसरे दिन ना कोई मसला होता है। मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, मैंने कहा ब्लॉग में थोड़ी क्रम्बलिंग तो हो क्या। अच्छा वो स्लैब आपने देखी, अगर तो उसका ट्यूटोरियल चाहिए हुआ तो आप लोग मुझे बता देना, वैसे पहले भी मैंने एक दो दफ़ा दी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा। अच्छा बाकी आरजे से मार है, उनका भी कमेंट्स था, वो कह रही थी कि मतलब तारीफ ही कर रही, मतलब क्या जो कहते होते हैं कि मतलब उन्हें मेरा व्लॉग पसंद आया, थैंक यू सो मच, इतनी सर्दी में कोई बात ही नहीं आती, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, इनके चैनल को भी सपोर्ट करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो होती हैं, आरजे एसएमआर इनका नाम है। अच्छा आपके जो वीडियोस हैं उनका साउंड बहुत ज़बरदस्त है। खैर मैं इसको सही कर रही हूँ, हिल गया, सही कर लिया, मैंने कहा थोड़ी क्रम्बलिंग हो रही है तो अच्छी वाली हो जाए। अब जो साइड पे इसको डर है बिल्ली ना ख़राब कर दे, बिल्ली का कोई भरोसा नहीं होता। चलें जी, चलें व्लॉग को यहीं करते हैं स्टॉप, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, ये टेक्सचर फिर ऐसे ही रह गया। अच्छा वो जो बनाई थी मैंने, मैं सोच रही हूँ इनके कुछ पीस कर लूँ, क्या पता ड्राई हो या ना हो, या ऐसे ही रहने दें, शायद हो जाए कभी सर्दियों में, चलो ऐसे ही सही है। ये डैम टेक्सचर इसकी क्रम्बलिंग भी ऐसे ही होगी, क्योंकि ये जितने दिन पड़ा रहा इसने ऐसे ही रहना, और क्या करें, ये चारकोल इसलिए कि मिक्स है अंदर टेक्सचरों में, तो इसको ना मैं क्रम्बल करूं। बाकी शोर की आवाज़ आपको आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी लेकिन मैं पता नहीं अब सोच नहीं करूं कि ना करूं। ये देख लें, जुमे का दिन है कि बंदे इबादत कर ले, बाहर खेलने आए हूँ बच्चे, हम तो भी अपना काम करके इबादत कर ही रहे हैं, काम काज करना भी। अच्छा जो ये वाला टेक्सचर है मेरा, ये रियू सीमेंट है, और ये न्यू वाइट टेक्सचर है, और ये ओल्ड टेक्सचर है, ठीक है, इसकी इनकी भी वीडियो आ जाएगी आप लोगों के लिए। दूसरा जो ये टेक्सचर है इनकी, इसकी वैसे जब वीडियो बननी है, ये देखें ज़रा कट मिक्स टेक्सचर की वीडियो होनी तो कमाल की है, लेकिन मैं सोच रही बना दूँ, वेस्ट ही ना हो जाए टेक्सचर बेचारा। ये देखें, चलो देखते हैं, क्योंकि क्ले पॉट भी देखें चमक रहा है, धुल गया, सोच रही बना ही दूँ, शोर तो किसी पल भी नहीं जा सकता, आप लोगों के सामने ही हाल है, ये गंदा मंदा सा टेक्सचर है, इसको शुरू करते हैं शुरुआत इसकी, देखते हैं फिर कैसी बनेगी वीडियो, मैं यूं करके बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पहले